तो वो भी आए हैं जो शराबबंदी के आंदोलन में मेरे साथ थे, वो भी आए हैं, और इसलिए वो पहले नहीं थे, लेकिन उनने मेरे अपनी जिंदगी के लिए बड़े काम मानती हूँ। वो राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी, मुख्यमंत्री और मंत्री तो मैं बहुत ज्यादा रह ली हूँ, लेकिन मेरे को जो आनंद आया जब शराबबंदी घोषित की शिवराज जी ने और 2500 अहाते तोड़ दिए गए, तब मुझे बहुत आनंद आया था। उसमें जो मेरे साथी रहे वो लोग आए हैं, और जब पिछड़ी जाति की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए और गरीब वर्ग की किसी भी जाति की महिला को आरक्षण उसमें होना चाहिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर, ये जो बात आई उस समय पर भी, जो हमने बहुत लोग कहते हैं कि ऐसी रविंद्र भवन में भीड़ नहीं देखी गई कि रविंद्र भवन कैपेसिटी से ज्यादा हो गया, और जबकि हम बहुत कम नोटिस पे वो कार्यक्रम किए थे, उसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी, तो इसलिए वो लोग भी आज यहाँ सब लोग आए हैं। मेरे जीवन में सफलता के जो मैं आयाम मानती हूँ उसमें मुख्यमंत्री बनना और मंत्री बनना ये सब नहीं मानती। मुख्यमंत्री बनना उपलब्धि नहीं होती, चुनौती होती है। मंत्री बनना भी उपलब्धि नहीं होती, चुनौती होती है, कि चुनौती के बाद आप जो योगदान देते हैं वो उपलब्धि होती है। आपको चुनौती मिली है, आपको एक जिम्मेवारी दी गई है, वो चुनौती है। उसके बाद जो आप अच्छा करेंगे वो आपकी उपलब्धि होगी। लेकिन ये जो आंदोलन थे, अयोध्या का है या घुसपैठ के खिलाफ असम में हुआ, कर्नाटक में तिरंगा का आंदोलन हुआ, यहाँ कांग्रेस को बिल्कुल पाताल में पहुंचा दो वाला आंदोलन हुआ, वो सब जो आंदोलन थे वो राजनीतिक संतोष देने वाले थे, लेकिन जो आत्मतृप्ति जिससे होती है वो है अयोध्या आंदोलन, वो है शराब के खिलाफ, और उसमें 2500 आहतों को जिस प्रकार से शिवराज जी ने गिराया, मैं उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव रखती हूँ। इसी प्रकार से जो गरीब पिछड़ी जाति की महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए, और अब मेरा फोकस दो बातों पर आ जाएगा, मैं मीडिया को बताना चाहती हूँ। पहला मतलब मेरा, हम कोई बड़े नेता तो है नहीं, लेकिन फिर भी जितना समय होगा उसमें मैं जो काम करूंगी मेरा फोकस रहेगा गंगा की अविरलता और निर्मलता, गाय की सुरक्षा नहीं, गाय का संवर्धन, उसकी ठीक से व्यवस्था कैसे हो, वो मैंने शिवराज जी से भी बात की थी और मैंने मोहन जी से भी बात की, वो एक दो बार जब मुझे मिले, और अभी हम और डिटेल में बात करेंगे कि गाय को बचाने के लिए गौचर चाहिए, गाय को बचाने के लिए गौपालक की व्यवस्था चाहिए, और गाय को बचाने के लिए किसान को गाय रखना घाटे का सौदा ना हो ये व्यवस्था चाहिए। इतना हो जाएगा तो गाय बचेगी, ये गौशालाओं से गाय नहीं बचेगी। इसमें घायल गायों को आप बचा सकते हैं, लेकिन करोड़ों गायें बोझ बन जाती हैं, वो अगर बचाना है तो वो एक करना पड़ेगा। इसी तरह से जो बच्चे कुत्ते काट गए, मार दिया, खा गए, एक बच्चे को पिछले साल झाड़ियों में गिरा के खा गए थे कुत्ते, कितने लोग के मुंह चेहरे खराब कर दिए हैं। अब पेट लवर होना ये तो ठीक है, हम भी हैं, अगर पेट लवर शब्द आजकल आप प्रयोग करोगे तो हम भी पेट लवर हैं, लेकिन हम ह्यूमन लवर भी होना ना साथ में, फिर आपको तो कोई व्यवस्था करनी चाहिए। तो श्वान अभयारण्य बना दिए जाए सब शहरों में, छोटे छोटे जो जगह खाली पड़ी होती है उसको घेर दिया, उसमें पेट लवर अपने अपने मोहल्ले के कुत्ते वहां पे कर दें और उनको खिला पिला के आ जाए करें वहां पर, एक ये तरीका हो सकता है। क्योंकि वो कुत्तों की नसबंदी के इंजेक्शन के लिए कुत्ता भग रहे हैं गाँव गाँव पछाऊ भगरा नगर निगम का अमला, वो तो नहीं हो पाएगा, ऐसा हो पाएगा कि बाद में फिर जो व्यवस्था करनी है वो करो, लेकिन कम से कम ये तो करो, क्योंकि इनह्यूमन व्यवहार नहीं करना, उनके साथ भी अमानवीय यातना देने वाला व्यवहार नहीं करना। तो अब मैं ये बातों को लेके जब बोलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मांसाहार कोई करे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, उनकी पसंद है, मैं तो कहूंगी मत खाओ, आदमी मांस खाए क्या मतलब है इसका, लेकिन फिर भी कोई खा रहा है तो क्या कहेंगे। लेकिन खुले आम में मांस बिकने लगा था और इतना ज्यादा कि निकलना मुश्किल हो गया, बहुत अच्छा किया उनने, मोहन जी ने जो किया। इसी प्रकार से ये जो माइक बचते हैं ना, चाहे भगवती जागरण हो चाहे कुछ भी हो, वे कह रहे भगवान का भजन कर रहे हैं, और अस्पताल में मरीज इतने न्यूरो नर्व सिस्टम के शिकार हो गए हैं बीमारी के, उनके आवाजों के मारे, ये कौन सा भगवान का भजन हुआ। उतने ही लोगों को सुनना चाहिए जितने लोगों को सुनना है, अगर नहीं सुनना तो उसके कान में आवाज नहीं पड़नी चाहिए। मुझे नहीं सुनना तो मैं क्यों सुनूं उस आवाज को, फिर मुझे नहीं सुनना। और कोई कहेगा कि नहीं धर्म पर नहीं रोका जा सकता, तो इंग्लैंड में कैसे होता है, मैं इंग्लैंड में बचपन से जा रही हूं, वहां पर माइक की आवाज हॉल से बाहर नहीं आ सकती, तुरंत माइक बंद कर जाएगी, माइक उठा के ले जाएगी पुलिस, सारा सिस्टम बंद कर देगी। क्यों, जिनको सुनना है वो अंदर बैठे हैं, तो बाहर वाले नहीं सुनना चाहते तो उनको क्यों सुना रहे आपको। यहाँ देखो तो सवेरे से जो बेचारे बूढ़े लोग करवट बदलते हैं बेचैनी से, बाप रे सो नहीं पाते मुश्किल से लोग, नहीं बहुत अच्छा हुआ ध्वनि नियंत्रण, प्रदूषण पर नियंत्रण,
खुलेआम में, अमेरिका में भी खुले में मांस नहीं बिकेगा। आप जाके देखो माओ जून के जो अंदर के मार्केट होते हैं ना, उनमें भी एक साइड में बिक रहा होगा। मतलब आपको मांस खरीदना है, जब आप उस पट्टी पे जाएंगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो जिधर सब्जियां होंगी वहां नहीं मिलेगा आपको। यहाँ देखो तो सब जगह बकरा कटे, मुर्गा कटे, कछु मुर्गा ठाड़े है कि हमारी जान बचा लो भैया। ये हालत होती है, कैसे देखे, घिन आती है, तबीयत खराब हो जाती है, जी मिटला जाता है बिल्कुल। तो उसका तो कारण था ना, खाना बना रहे तो खाना उन्हें कहते एक टाउच में दे दे कि जी जीते नहीं आज क्यों डर है आप। एफआईआर बोल के कर रहा है, बहुत परेशानी हो रही है कि जीती अगर कोई के घर जा रही तो एफआईआर कराने। शिवराज जी कह रहे कि हम पीएम पहले हटे किसान पीएम है, इंग्लिश में बोल रहे हैं अपन रिजेक्टेड नहीं है, तो ये काय बोल रहे, हमारे थोड़ी कह रहे थे बोलो। तो राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है राज तिलक। नहीं हम तो हम तुम सही कह रहे हो, गुस्सा नहीं करो, हम बताएं। हम बता रहे सुनो, बा बात जाती थी ना कि हम बाहरें कड़ गए थे, पहला हमें बाहरें काड़ो का फेरा जो भाव है, लेकिन जब तक हम बाहरें नहीं गए थे तब तक तो भाजपा के विधायक हमारी रेल की पटरी पर लेट गए थे, जोन रेल से हम जा रहे थे, मंत्री तक लेट गए थे रेल पटरी तक, जान नहीं दे ट्रेन नहीं आगे बढ़न दे। तो इसलिए इतना सम्मान रहता है, शिवराज जी का भी है, भाजपा का काफी, शिवराज जी करते हैं, बाकी अब उसमें हमें न डालो। हम शिवराज जी का बहुत आदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो ढाई जहाज आहाते जो गिरा दिए थे ना, बस वो मुझे इतनी अच्छी बात लगी है कि मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। असली बात जा कड़िया ही तुम्हारे मुंह से, हाँ बहन को दर्द हो रहा है। भारत जोड़ो तो तब होगा ना जब भारत तोड़ो हो रहा होगा, तो राम के नाम पर पूरा भारत एक हो रहा है, तो भारत में क्या जोड़ना है उनको। मैं उनको कहूंगी कि भारत अगर जोड़ना है तो राम के नाम पर पूरा भारत एक है, एक ही जगह भारत जुड़ जाएगा, तुरंत पहुंच जाओ आप अयोध्या जी में। राहुल जी को मैं कहूंगी इसके लिए इतना बसों में गाड़ियों में बैठने की जरूरत ही नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा में रह करके भारत को जोड़ने के लिए जरूरत नहीं, राम के नाम पर मोदी जी सबको जोड़ लिए हैं, तो ये राहुल जी वहां पहुंच जाए। दूसरा, भारत टूटा कब था आप बताओ? भारत टूटा था जब कांग्रेस थी तब पाकिस्तान बना था, तब भारत टूटा था। भारत कब टूटा था? जब सिखों पर धर्म के नाम पर अत्याचार किए गए थे। हमने तो जोड़ा है, हमने 370 हटाई है, कश्मीर को भी हमने भारत के साथ जोड़ लिया है, और आधा कश्मीर कब गया था, कब टूटा था? जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए अगर वास्तव में भारत जोड़ना है तो मणिपुर से नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर में राहुल गांधी को जाना चाहिए और उस कश्मीर को भारत से जोड़ो ये करना चाहिए। वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं है तो मणिपुर में पहुंच गए हैं, इसलिए आप या तो पाक अधिकृत कश्मीर से यात्रा शुरू करो या अयोध्या जी पहुंच जाओ, क्योंकि दो जगह से, एक जगह वो अभी टूटी हुई है हमसे और दूसरा राम मंदिर के नाम पर सब इकट्ठे हो रहे हैं। मैं ये कहूँ अम्मा तुम चुपचाप बैठ जाओ, पानी पी लो, वहां निर्वोही अखाड़ का एक स्थान था और हमने कहा बिल्कुल अनुशासन बिल्कुल नहीं टूटेगा, और सचमुच में लाखों लोगों ने गिरफ्तारियां दी साहब, चित्रकूट में दी थी, बांदा के पास में गिरफ्तारियां। तो मुझे तो मनोहर पर्रिकर जी ने बताया कि हम सब वहीं थे, हम तो अपने माता पिता के साथ गए थे, माँ का हाथ पकड़े हुए थे, वहां से बांदा ले जाए गए लोग, इतनी बसें आई सब ले जाए गए हम लोग बांदा में। अम्मा को चिनार की जेल में ले जाया गया, चिनार एक बहुत बड़ा किला है, उसमें व्यवस्था है रेस्ट हाउस की, उसको जेल का दर्जा दे के अम्मा को तो हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कर लिया गया, क्योंकि बहुत वृद्ध हो चुकी थी वो, 70-75 की थी। हम लोगों को बांदा ले जाया गया। आप अनुशासन का कमाल देखोगे साहब, किसी स्कूल, किसी अस्पताल के कंपाउंड, किसी बगीचे को अगर कह दिया कि ये जेल का दर्जा प्राप्त है तो सब वहां समा गए, बैठ गए चुपचाप, और जो अपने साथ खाना पीना लाए थे बांध के वो खा रहे हैं, और ओढ़ना बिछोना जो है, ज्यादा सर्दी भी नहीं थी तो वहीं है। हम लोगों को एक रेस्ट हाउस में रख दिया गया, उसमें वसुंधरा जी थी, लोकेंद्र सिंह जी थे, सरदार आंगरे लोकेंद्र पन्ना के सांसद थे जो छत्रसाल के वंशज थे, और भग्या बीच में छत्रसाल का वंशज दो दिन के बाद समझौता करके, वो एक अलग विषय है, लेकिन छत्रसाल के वंशज वहां थे, सरदार अंग्रेजी थे, हमारी दीदी हमारी ताई थी सुमित्रा, ताई सुमित्रा महाजन जी थी, वो बिल्कुल पूरे टाइम बनी रही वहां, वसुंधरा जी थी, जयवंती बहन मेहता थी, मैं थी, और मैं भाई साहब के बिना नहीं रहती थी, मेरा बचपना छूटते नहीं था, तो भाई को भी रखना पड़ा कि नहीं वो भाई के बिना रहेगी ही नहीं, तो स्वामी भाई साहब 15-16 साल बड़े थे, वो अब है नहीं, तो उनको भी अंदर ही रखा गया, 3-4 कमरे थे, भाई नीचे ही सोते थे धरती पर बिछा के, बोले मैं तो उमा बहन के साथ ही रह जाऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन मैंने अपना कमरा किसी से शेयर नहीं किया, फिर बाकी सब कमरा शेयर कर रहे थे, रहते थे। अब एक नई समस्या सब खड़ी हो गई, खाना कहां से आए? तो बांदा के लोगों ने कहा खाना हम खिला देंगे,
तो पूरे बांदा शहर में और जिले में पूड़िया बन रही, आलू की सब्जी बन रही और कार सेवकों को खिलाया जा रहा। और पूरे कार सेवक सवेरे से कतार की कतार बना करके जो वहां नदी बहती, शायद केन बहती है वहां पर, उसमें जा रहे और टॉयलेट वगैरह करके नहा करके सब चले जा रहे। 10-10, 20-20 हजार डुबकियां मार रहे सवेरे से शाम तक, यही चलता रहता था। और घरों से भोजन बन के आ रहा। इतने में कभी कभी ऐसा हो जाए कि सब कार सेवक है वो बांदा में जुलूस बना के निकले, तो मुझसे पुलिस ने कहा कि हमने सुना आपकी बहुत मानते हैं, तो मुझे एक जीप में बिठा के ले जाते थे बत्ती वाली, और हाथ में मेरे रहता था माइक, अनुशासन में रहिए, जयराम जी की बोलिए, श्री राम बोलिए, लेकिन अनुशासन में रहिए। अच्छा अच्छा ठीक है दीदी, दीदी है, ऐसा करके एक दो दिन चला। इतने में आ गई 31 अक्टूबर। हम सब ड्राइंग रूम में बैठे थे, मुझे आज तक याद है, बड़ा ड्राइंग रूम था रेस्ट हाउस का, जिसको जेल का दर्जा दिया गया था। खूब जम के पुलिस लगी थी, पुलिस वैसी लगी थी जैसी जेल में लगती है, और वहां वार्डन भी सरकारी, मतलब जेल की वार्डन, जेल का ही वार्डन वहां पे था, सुपरिटेंडेंट जेल का ही, उसके अधीन पूरे नियम थे। खाली ये था कि वो रेस्ट हाउस था, तो उसमें एक बड़ा सा ड्राइंग रूम था, वहां टीवी लगी थी। तो 31 तारीख को पट्टी आने लगी, और फिर खबर आ, तो पट्टी नहीं आती, खबर आई कि अयोध्या में आज कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने, मतलब हम सब असामाजिक तत्व थे, तो असामाजिक तत्वों ने कार से ढांचे तक पहुंचने की कोशिश की, उसमें से एक को, वासुदेव अग्रवाल को गोली लगी है, उनकी मृत्यु हो गई है, अशोक सिंगल जी घायल हुए हैं, कुछ कार सेवक मरणासन्न है। अब तो बेचैनी फैल गई। अच्छा टीवी कार सेवकों के पास में था नहीं, हमारे पास था रेस्ट हाउस में, वहां हमने, अच्छा उन्होंने मोबाइल तो थे नहीं, तो सब व्याकुल थे कि आज हुआ क्या है ये, किस बाहर लोगों को पता नहीं था, भीड़ को नहीं तो उपद्रव, उपद्रव किस पे करते, क्योंकि बांदा पूरा जिला हमारे साथ था, पूरे नागरिक नगर के हमारे साथ, तो कुछ भी तोड़फोड़ होती तो सरकारी होती। लेकिन वहां हमने जब सुना तो मैं बहुत परेशान हुई, एकदम व्याकुल हो गई, सब लोग व्याकुल हो गए, ताई बहुत व्याकुल हुई, सुमित्रा ताई बहुत, मैंने सबकी व्याकुलता देखी, वसुंधरा जी बहुत व्याकुल हुई, बस जिसका अता पता नहीं था वो थे लोकेंद्र सिंह जी, वही पन्ना वारे सांसद, छत्रसाल के वंशज। बाकी तो जो हाल वहां पर हुआ मैं आपको बताऊं, सब व्याकुल हो गए। और मेरी हालत तो इतनी खराब हो गई कि मैं 1985 से एक ही काम कर रही थी, अयोध्या जी चलो, ये क्या हुआ साहब कि हम यहाँ रेस्ट हाउस में VIP ट्रीटमेंट का आनंद ले रहे हैं और लोग वहां गोलियों से मारे जा रहे हैं, अशोक जी घायल हो गए हैं। तो जो मेरा भोजन लेके आता था राजकुमार शिवहरे, बजरंग दल का अध्यक्ष था वो बांदा जिले का, उसको मैंने कहा कि राजकुमार मेरे को यहां से निकाल, कैसे, तो फिर पूरी व्यवस्था हुई और मेरा मुंडन हुआ। 30 साल में लगी हुई थी मैं, लेकिन जैसे ही मुंडन हुआ तो मैं 14-15 साल की लगने लगी, क्योंकि लड़कियों की तो चेहरा थोड़ा डेलिकेट होता है ना, और पजामा कुर्ता हमने पहना और भाई को आगे बिठाया, राजकुमार ने गाड़ी चलाई, पीछे की गाड़ी पे हम बैठे, वो खाना लेके आया और हमें लेके निकला। तो पुलिस वालों ने पूछा कि ये कौन मोड़ा लड़का कौन बैठा है जी पीछे, तो उसने बताया छोटा भाई है, सवेरे आया था, आपने ध्यान नहीं दिया, सवेरे आया था, और वो खूब अंधेरे में निकला मुझे लेके। अब हम बांदा से तो निकल गए साहब, अब बांदा से बाहर ठिटक के खड़े कि पूरे रास्ते में कर्फ्यू है, शूट एट साइट का ऑर्डर हो गया है कि देखते ही गोली मार दो, क्योंकि जो घटना आज रात में हो गई है, शाम मतलब दिन में जो घटना हो गई है 31 तारीख को, उसके बाद अब जो चारों तरफ से कार सेवक बंधे हुए हैं वो एकदम सारे बंधनों को तोड़ के और बहुत जोर से हमला बोलेंगे सरकार पर, प्रशासन पर, क्या स्थिति बनेगी। तो इसलिए कर्फ्यू घोषित कर दिया गया और कहा गया देखते ही गोली मार दो। अब मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि वो क्या बात है। मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उसको देखा है। हम रात में 12 बजे निकले थे और मारुति बहन में अंधेरा भी था, तो इसलिए वो संतरी बेचारे पूछ के रह गए थे कि बच्चा कौन बैठा है। तो उन्होंने बताया राजकुमार ने, शिवहरे जी ने, कि वो सुबह आया था मेरे साथ में भाई और दीदी की देखभाल में रह गया था, वही है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। हम आगे जब निकल गए तो आपको मैं बताऊं, मैंने फतेहपुर का रास्ता पकड़ा, फतेहपुर से प्रतापगढ़ से होते हुए, और पता नहीं कैसे ऐसा हो सकता है कि हर बैरियर पर पुलिस थी और पुलिस सो रही थी, और बैरियर हम अपने हाथ से उठा रहे थे। मतलब राजकुमार गाड़ी खड़ी करता था और दौड़ के बैरियर उठाता था, और सब जगह पूरे रास्ते पुलिस सो रही थी। उसका कारण कोई चमत्कार नहीं लग रहा था, उसका कारण लग रहा था दिन भर का तनाव जो उन्हें झेला था, तो उसके कारण उन्हें लगा रात में कौन आएगा, तो वो आराम से रिलैक्स हो गए होंगे, पूरी उड़ी मिल गई होगी, खाने को भारी डालडा की बनी हुई, जो भी कारण रहा हो मैं उसको चमत्कार भी कह सकती हूँ, और अगर हम तार्किक दृष्टि से देखें तो ये भी हो सकता है कि अब कौन आएगा। तो सब सो रहे बिल्कुल, और हम अपने हाथ से बैरियर हटा रहे। खतरा आया हमको जब फैजाबाद के किनारे पर पहुंच गए सुबह 5:30 बजे, तो सर्दियों का था ना, तो पूरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था कई कौन है। तब तक हमने राजकुमार अपनी पत्नी का सलवार कुर्ता भी ले आया था कि जरूरत पड़ेगी तो वैसे हो जाएंगे,
तो हमने राजकुमार शिवहरि की पत्नी का सलवार कुर्ता पहन लिया था एक हैंडपंप में नहा के। तो मैंने कहा अब तुम कह देना कि मैं वहां के जो पहले वाले जो 1949 में रामलला प्रकट हुए थे जो SDM थे ना गुरुदत्त सिंह जी, कह देना कि मैं उनके लड़के की बहू हूँ, मतलब उनकी पौत्र वधू हूँ मैं, क्योंकि उम्र में अंतर इतना है, तो ऐसा बोल देना। तो मुंडन क्यों हुआ तो बता देना, पति मर गए हैं तो उनकी अस्थि विसर्जन के लिए प्रयाग गए थे और अब लौट रहे हैं, हमारा क्या लेना देना साहब यहाँ की झंझट से। तो जैसे ही हमारी मारुति रुकी तो वो तो अयोध्या तो छावनी फैजाबादी छावनी बना हुआ था। उन्होंने कहा कहाँ जाना, कई घर जाना, कहाँ जाना, गुरुदत्त सिंह जी कहाँ जाना, एड्रेस हमें याद था तो हमने बता दिया। हम कम बोल रहे थे क्योंकि ऐसा ना हो क्योंकि माइक पे कभी कैसेट सुन लिया हो, कुछ हुआ हो, तो साथ वाले नहीं बहुत दुखी हैं, विधवा हो गई हैं, पति मरे हैं, अभी अभी अस्थि विसर्जन के लिए गई थी, अच्छा अच्छा ऐसे दुपट्टा डाली थी, अच्छा इसलिए मुंडन हुआ है, हाँ मुंडन हुआ है। इतने में एक सिपाही ने देख लिया, लुंगी पहने और दातुन कर रहा था, रीवा का था वो, तो वो आ गया, आप तो उमा भारती जी लग रही हैं। मैंने कहा हाँ जाना है, कैसे जाना, बोले इधर से नहीं जाना, अभी उन लोगों ने और बड़े अधिकारी बुला लिए हैं और अभी गिरफ्तारी हो जाएगी आपकी यहाँ पर और गोली भी चल सकती है, तो क्या करना है, बोले आप तुरंत गाड़ी पीछे लो। और उसने एक तरीका बताया कि कच्चा रास्ता मिलेगा बाएं साइड को फूटा हुआ, उसको पकड़ जाओ और उस पर चलते ही जाना तो मणिराम दास छावनी के सामने पहुंच जाओगे आप, क्योंकि फैजाबाद को अब तो वो अयोध्या हो गया सब फटा हुआ था। तो हम उधर से फिर ऐसे ऐसे एक जगह मस्जिद के सामने हमारी गाड़ी फंस गई कीचड़ में, तो वो लड़के जो मुसलमान लड़के वहां थे वो उन्होंने हमारी गाड़ी को धक्का मारा, और कई गुरुदत्त सिंह जी की बहू हैं अस्थि विसर्जन करके आ रही हैं, भैया बहुत दुखी हैं, बोल नहीं पा रही, हमने भी दुखी होकर सिर झुका लिया, हाय राम मेरा पति मर गया, हड्डियां बहा के आ रहे हैं, तो हम दुखी होकर बैठ गए ऐसे, अरे राम राम, सब एक दो बूढ़े बूढ़ियों ने देखा। तो जब वो SSP को जिस तरह से मां मुन्ने उछल के मारा और उसकी जगह उल्टा हो गया, बंदूक SSP की तरफ तन गई, आदेश नहीं माना गया उनका, तो फिर फैजाबाद की जेल में रखा गया, दो दिन हम वहां रहे। फिर बाहर महिलाएं आने लगी फैजाबाद की बहुत, उसमें सब अधिकारियों की पत्नियां भी आ रही थी कि हम उमा भारती से मिलना चाहते हैं, हमने सुना है कि बहुत, क्योंकि मेरे को भोजन ना जावे मेरे मुंह में, मैं पानी ना पीऊं, मैं तो व्याकुल हो गई थी क्योंकि मैंने बिना वार्निंग के गोली मारी गई, इस बात को मैं भूल नहीं सकती थी। तो रात को आधी रात को 2 बजे वहां से मेरे को निकाला गया और एक बस में जो CRPF की लेडी DSP मेरे साथ थी, उस समय पत्रकारों ने बहुत मार खाई, तो कई पत्रकार बेचारे फैजाबाद के ना स्कूटर पे आ गए प्रिंट मीडिया के, उनको पता लग गया होगा किसी तरीके से रात में, तो दोनों तरफ उन्होंने अपने वो स्कूटर लगाए, तो उनको बहुत मारा पुलिस ने उनके हाथों में कि आप पीछे हटिए, क्योंकि वो आ गया था रेलवे क्या बोलते हैं रेलवे लाइन फाटक बंद था, तो उनने वो अपने स्कूटर लगा लिए बगल में जिस बस में मुझे बिठाया गया था, उसमें पूरी लेडी बटालियन थी, तो उनने तो कुछ नहीं कहा उनको, लेकिन नीचे पुलिस जोर से दौड़ी और उन सबके हाथ पांव तोड़ दिए बिल्कुल पत्रकारों के। वो पत्रकार आज भी अपने हाथ दिखाते हैं मुझे जब मैं अयोध्या पहुंचती हूँ, हम वही हैं जिसके हाथ टूट गए थे, अब हो गए कोई 70 का कोई 65 का, इससे नीचे का तो कोई है ही नहीं। फिर हमको नई जेल में ले आया गया और मैं बिल्कुल बहुत व्याकुल थी, ये सही है मैंने 2 दिन से पानी नहीं पिया था, मेरे को तो लग रहा था कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मेरे साथ नहीं हम सबके साथ, इस देश के साथ, देश की अस्मिता के साथ, देश के हिंदू समाज के साथ, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। फिर वहां पर कल्याण सिंह जी और कलराज मिश्र जी को उठाया जेल के सुपरिटेंडेंट ने कि उन्होंने खाना नहीं खाया है, 2 दिन से पानी भी नहीं पिया है, ये वो लेडी DSP ने भी बताया CRPF की, रात में ही वो लाए गए जेल से मेरे पास में और सुपरिटेंडेंट के कमरे में, और कलराज मिश्र जी और कल्याण सिंह जी तब हमारे नेता विधायक दल थे, वो BJP के नेता थे विधायक दल के, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे कहने पर कॉफी पी लो, तो वो सुशील पांडे करके सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल थे, बोले जब तक आप नहीं पियेंगी मैं भी भूखा रहूंगा। तो मैंने कहा अच्छा आप लोग सब लोग कह रहे थे पहले ये लेडी DSP को कॉफी पिलाइए, तो पहले उनको पिलाया गया क्योंकि वो भी बहुत परेशान सी थी रात भर से, फिर हमने पिया, फिर हम 1-2 दिन वहां रहे, फिर एक जहाज आया, फिर हम उसमें जेल से ले जाए गए, उसमें ताई हमको मिली, वो उनने बिल्कुल मर्यादा का पालन किया था, वो जेल में बनी ही रही थी ताई वसुंधरा और अपने जयवंती बेन मेहता, फिर ताई ने मेरे कपड़ों का जब हाल देखा वो फटे हुए कपड़े में पहने ही रही थी नैनी जेल में भी 2 दिन, तो उन्होंने फिर अपनी साड़ी पहनाई मुझे हवाई जहाज में, अब उनका झल्ला सा ब्लाउज में तो बहुत पतली थी, मेरा वजन था उसमें 52 किलो, तो उन्होंने अपना ब्लाउज पहनाया, अपनी साड़ी पहनाई, अपने कपड़े पहनाए, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई वो नहीं खड़ा हो जाता है खेत में, क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं, बिजू का टाइप की
टाई की साड़ी में। फिर हम दिल्ली उतरे, फिर FIR वगैरह तो ऐसे ही दर्ज हुई, चलती रही। और फिर ये हुआ कि मुलायम सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरानी है। अडवाणी जी भी रोक लिए गए थे ना बिहार में, तो अडवाणी जी भी आ गए, तो भाषण हुआ। तो तीन लोगों के भाषण हुए थे, अडवाणी जी का, विजय कुमार बल्होत्रा जी का और मेरा, पार्लियामेंट में। और मेरे बाल मुड़े हुए थे, बिल्कुल थे ही नहीं, बिल्कुल साफ सफा चट्ट सिर था, दूली पतली सी थी बिल्कुल। तो पार्लियामेंट में मैंने ये जरूर कहा था कि जैसे नाजी जर्मन पे ट्रायल चला था बेकसूर जूस की हत्याओं के लिए, जो जूस लोग, यहूदी लोग मारे गए थे, मुलायम सिंह पर भी ट्रायल चलना चाहिए इसी तरह का, क्योंकि बिना वार्निंग के गोलियां चलाई गई हैं। वासुदेव अग्रवाल को भी बिना वार्निंग के गोली चला के मारा गया, वो रिकॉर्ड में है पार्लियामेंट के। मैंने कहा कि अंग्रेजी में, मैंने आखिरी वाक्य अंग्रेजी में बोला कि उतने बड़े सामूहिक नरसंहार के लिए जैसे नाजी जर्मन पर बाद में ट्रायल चला था, ये ट्रायल इनकी सरकार पर भी चलना चाहिए, और इसके लिए जो दोषी लोग हों उनको दंडित होना चाहिए। उसके बाद में फिर वो आंदोलन तो चलता रहा, मुलायम सिंह की सरकार भी बाद में गिर गई, राष्ट्रपति शासन रहा, फिर चुनाव हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई, कुछ दिनों चंद्रशेखर जी की सरकार रही, फिर वो भी गिर गई। वो तो कांग्रेस की आदत है कि आपको भटका देंगे, और उनको उनको कहा आपको प्रधानमंत्री बनाए देते हैं, आप अलग हो जाओ, वो अलग हो गए, और बस दो तीन महीने में उनकी सरकार भी गिरा दी। चुनाव हो गया, राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, नहीं तो कांग्रेस तो हारने वाली थी बहुत बुरी, आधा चुनाव रह गया था। फिर एक महीने चुनाव पड़ गया, आप लोगों को जिनको याद आएगा, एक महीने चुनाव आगे कर दिया गया, मई को आखिरी वोटिंग थी, लेकिन वो चूंकि राजीव जी का जिस प्रकार से शहादत हुई, तो उसके बाद में एक महीने के लिए चुनाव और बढ़ गया, वो पूरी सीटें कांग्रेस जीत गई लगभग, राजीव जी की शहादत के बाद में, जो उनको सिर पर मदूर में उनकी जो बलिदान हुआ था उनका। और उसके बाद फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट आया तो हम कहां बाबा, 84 में 2। और फिर राजकुमार शिवरे ने शुरू कर दिया, उमा दीदी है। तो फिर तो जो रास्ता बना दिया भीड़ ने, तो पता लगा 50-60 हजार लोग इस तरफ हैं, और वो कर्फ्यू तोड़ के इसी प्रकार से पैदल चलते चलते अयोध्या आ गए हैं, गाड़ियां वाड़ियां छोड़ के। और उन लोगों ने एकदम चिक्कारा सा भरा, मेरे को 8 बज गए, तब तक मंच लग जाता था वहां पर, तो मंच लग गया मणिराम दास छावनी के, मैं उसमें अंदर आते में वहां पर मेरे को बिठा लिया गया, फिर मैं खड़ी हो गई लोगों के सामने, तो मेरा मुड़ा हुआ सिर में सलवार कुर्ते में, सब रह गए मुझे देख करके कि ये क्या हुआ। फिर मैंने पूरा किस्सा बता दिया, तो पत्रकार थे वहां, बहुत मीडिया था, आप लोग नहीं होते थे ना उन दिनों, प्रिंट मीडिया था, आप कैसे आ गई, रिहा हो गई, मैंने कहा ना। तो किसी ने जाके STD से फोन लगाया, उन दिनों तो मोबाइल नहीं थे ना, और उनने फैजाबाद के DM से पूछा कि उमा भारती जी कहां, बोले जेल में है। तो पत्रकारों ने कहा कि अच्छा जेल में जाके देखो, बोले देख आए हैं, अभी सो रही है, वो देर तक सोती है। तो उनको बताया गया कि